अरे तई श्रेया कुटे? अरे लगता है वो अंदर तैयार हो रही होगी, और जब तक मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी ना, लगता है वो आएगी ही नहीं। प्रभा ने पार्टी इतनी झकास दी है कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी। अब कैसे नहीं देती, मेरी श्रेया की पार्टी है भाई, और इतनी मेहनत उसी के लिए तो करती हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा भाई, बच्चों के लिए तो कितना भी करो कम है, और तुम तो दो नौकरियां करती हो, मेरा तो एक रिक्शा चलाने में टायर पंचर हो जाता है। अब जल्दी बुलाओ श्रेया को, वरना बच्चे लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ अभी बुलाती हूँ। श्रेया, श्रेया उठेगी ली? अरे अभी तक तैयार नहीं हुई ये लड़की। श्रेया, अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे आप लोग सब घबराओ मत, मैं मोमबत्ती जला रही हूँ। कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे भाई, बर्थडे में खर्चा अच्छा किया है तूने। दिन रात मेहनत करती हूँ, एक एक पैसा कमाने में पसीने निकल जाते हैं मेरे, फिर भी इतनी मुश्किल से इतना महंगा केक लाई थी तेरे लिए, लेकिन तुझे तो ये सब दिखाई नहीं देता ना। कम से कम ये तो सोच लेती श्रेया कि सारे मोहल्ले के लोग यहाँ खड़े थे। मोहल्ले वाले को इधर उधर खड़े रहने के अलावा कोई काम नहीं है, और ये सब करके तो मेरे लिए बुरी ही रहेगी। अरे विनोद ने मुझे बताया यहाँ क्या हुआ, मैं फौरन आ गया। विनोद ने बताया तेरे को? या तेरे पास जिगर नहीं है ये बोलने के लिए कि तू भी इसमें इसके साथ था? लाइट तो तूने ही काटी होगी ना। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ करके तू मुझे हर मामले में घसीट लेगी, क्या मिलता है तेरे को ये सब करके? और वैसे भी हम दोनों का तलाक तो हो चुका है ना। तेरे से पीछा छूटता तो तलाक होता ना। अरे ऐसे तलाक का फायदा ही क्या जो तू गले में घंटी की तरह लटका है मेरे। अब मैं बीमार हूँ तो क्या करूँ? अरे छोड़ बाबा, किसके सामने बात कर रहा है? बाबा की दवाई जान पे आती है, और मोहल्ले के सामने पार्टी देकर दिखाओ करना अच्छा लगता है ना। तू गप्पा बस, मैं बोलू ना खुश, तुझे नहीं समझेगा श्रेया, ये आदमी किस तरह से झूठ बोलकर मुझसे पैसे ऐंठता है दवाई का बहाना बनाकर। बाबा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। श्रेया जल्दी से पानी लेके, तू मेरे सुरेश को मार के ही दम लेगी। श्रेया को हमसे अलग करके दिल नहीं भरा तेरा? परिवार, ये शब्द जब भी हमारे जहन में आता है तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान जिंदगी के उन बेहतरीन पलों की वजह से होती है जो हमने अपने घर वालों के साथ बिताए होते हैं। आमतौर पर एक परिवार में जितना प्यार होता है उतनी ही तकरार भी होती है, लेकिन ये तकरार किसी परिवार को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए और मजबूती के साथ खड़े होने की ताकत देती है। और वहीं कई बार कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसके बाद परिस्थितियां बदलने लगती है। आज की इस कहानी में प्रभा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका पारिवारिक रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था, अपने पति के साथ उसका तलाक हो चुका था, और साथ ही साथ प्रभा और उसकी बेटी के बीच में दूरियां आ चुकी थी। आखिर ऐसा क्यों था, क्या हुआ था इस परिवार में, और क्यों श्रेया को अपनी माँ फूटी आंख नहीं सुहाती? प्रभा, वो बच्चे है, बच्चों से गलतियां होती हैं, उस पर इतनी सोचने की क्या जरूरत है? सारा दिन काम करती हूँ और फिर रात को ये सब, मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। 13 साल हो गए, काश मैंने कभी सुमेर से शादी ही नहीं की होती।
कैसे होगा? वनिया से लेके बिजली तक के पैसे बाकी है, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तू टेंशन मत ले, कुछ दिनों की बात है, मैंने एक जगह पे नौकरी की बात की है। सुरेश तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। टेंशन कैसे ना लूँ सुरेश, तुमसे कैसे होगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ऐसे या वैसे करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। एक रास्ता है। क्या? बाहर जाकर पैसे कमाने का काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर श्रेया को कौन देखेगा? एक काम करता हूँ, गांव से आई को बुला लाता हूँ। जो कुछ सुरेश कर रहा था वो मैं बस श्रेया के लिए ही झेल रही थी। ये क्या है? ये गिर गई थी तो मैंने फेंक दिया। सुरेश मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें दवाइयों की जरूरत है, तुम्हें भी अब नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक मैं ऐसे अकेले काम करती रहूंगी? यूं तो इसे वापस बीमार कर देना चाहती है, अभी अभी तो ठीक होने लगा है बेचारा। वाह यार, तुझे तो पार्टी के लिए शाम का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। भाई को शाम को 7 बजे के बाद आती है, उससे पहले दिन भर ऐश ही ऐश। तूने तो साला पूरा मामला ही पलट दिया। एक तरफ तेरी बीबी कमाती भी है, घर का सारा काम भी करती है, ऐसे जैसे तेरी बीबी नहीं कोई लॉटरी हो, तू साला घर पे ऐश कर रहा है। लोगों को बीमारी दुख देती है, पर मुझे देख, मुझसे ज्यादा सुखी इंसान देखा है कभी इस दुनिया में? एक बात बता, तुझे सच में कोई बीमारी है, ऐसा ही हवा बांध रहा है? मैंने अपने बीमारी को ही अपना हथियार बना लिया। 4-5 बोझ छोड़ दे कि दौड़े पड़ना कम ना हो। अब मैं इतना बीमार थोड़ी ना हूँ जितना मेरी बीवी समझती है। यार दारू खत्म हो गई यार। अरे श्रेया बेटा, दूसरी वाली बोतल ले आ। हाँ आ जा बेटा, ले ले। बाबा बर्फ भी डाल दूँ? हाँ बेटा, अंकल को 2 बर्फ डाल दे। शक तो मेरे को पहले से ही था तेरे पे, अपने दोस्त के ग्लास में अपनी बेटी से दारू डलवाते हुए शर्म नहीं आई तेरे को? अरे कम से कम अपनी अय्याशियों के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करना तो बंद कर। बात को इतना लंबा क्यों खींच रही है? बात लंबी हो या छोटी, अब तो बात कोर्ट में ही निपटेगी। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट प्रभा देशमुख को अपने पति सुवेश देशमुख से तलाक लेने की अनुमति देती है। बच्ची श्रेया देशमुख की कस्टडी मां प्रभा को दी जाती है। मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूं। मैडम मैडम प्लीज मैडम। डिवोर्स तो सिर्फ कागज पर ही हुआ था, क्योंकि वो तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया इस चौल में। मैंने सोचा था कि वो कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा और मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। मौसी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि वो मुझसे पैसे ऐंठता है, लेकिन इस बात का गम है कि उसने मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। वो जानता है कि श्रेया मेरी कमजोरी है और इसी बात का फायदा उठाता है वो। भगवान पर भरोसा रख, एक दिन श्रेया को एहसास हो जाएगा कि तू उसे कितना प्यार करती है। ये फ्रूट फेशियल है ना मैम, आपको बिल्कुल गोरा गोरा कर देगा। हेलो। हाँ बोला। क्या श्रेया कहाँ है? कहाँ से जा रही है श्रेया?
उठे आए तू श्रेया? श्रेया! अरे क्या हुआ, काय को इतना चिल्ला रही है? सुबह श्रेया को कहाँ छुपा कर रखा है जल्दी बता दे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं उसको इधर काय को छुपा के रखूंगा? इधर नहीं छुपा कर रखा है तो किधर छुपा कर रखा है? आई शपथ, मेरे को नहीं मालूम वो किधर गई है। तो फिर किसको मालूम होगा? उसके स्कूल से फोन आया था, उसकी टीचर कह रही थी स्कूल में बम फोड़ कर किधर भाग गई है वो। अरे उसका रोज का है, तू टेंशन मत ले, जा वो आ जाएगी। मुझे कहीं नहीं मिल रही है श्रेया। हर जगह ढूंढा कहीं नहीं मिली श्रेया। तुम लोग फिर आ गए? साहब मेरी बेटी श्रेया वो मिल नहीं रही है। तुम लोगों का रोज कुछ ना कुछ चलता है ना? साहब ये मेरी सास है, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। आप एक बार इसके घर में देखिए, मेरी जमा पूंजी यहीं मिलेगी। हाँ हाँ साहब, आप आओ और देख लो पूरा घर। मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्यों डरूं? शिंदे बाग जरा चल। सर इनके घर से तो कुछ नहीं मिला। साहब आप एक बार फिर से देखिए, पैसे जरूर इसने कहीं छुपा कर रख दिए होंगे। साहिब इसने जानबूझ के खुद अपने पैसे छुपा दिए हैं और इल्जाम मुझ पे डाल के मुझे बदनाम करना चाहती है। साहिब आप एक बार इसके घर भी देख लो। चेक करो। चले देखे। ये क्या? ये पैसे श्रेया के बैग में कैसे आ गए? साहेब जरूर इससे ही। हाँ यही सब करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो और क्या करने के लिए बैठे हो? आप कुछ भी बोलते रहती है। चुप। ये बगा, तुमची नाटका बगाला माझ्याकडे वेळ नाही है, अगली बार ध्यान रहे। मैं मानती हूँ कि हमने आपको अब तक बेवजह तंग किया है, उसके लिए माफी है। लेकिन मेरी बेटी श्रेया वो घर वापस नहीं आई साहेब, आप उसे ढूंढो। अगर ये तुम लोगों का कोई नया नाटक हुआ ना, दोनों को उठा के अंदर कर दूंगा। नहीं साहब सच्ची। हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढने की शुरुआत करते हैं, कुछ भी पता चलेगा तो इन्फॉर्म करें। और अगर तुम्हारी बेटी खुद से कहीं गई हो और घर वापस आ जाए तो तुम हमें इन्फॉर्म करोगे। सर ये फिर से इनका कोई नया नाटक तो नहीं है? शिंदे ये तो पता लगाना होगा, बात एक बच्ची की है। मामला अगर इनके बीच का भी हो तब भी हमें बच्ची को तो ढूंढ निकालना है। बच्ची आखिरी बार स्कूल में दिखी थी, तफ्तीश वहीं से शुरू करते हैं। अक्सर आपसी झगड़ों और बातचीत के दौरान हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास मौजूद बच्चे ये समझ नहीं सकते, लेकिन हम पूरी तरह से गलत हैं। इस उम्र में किसी भी चीज को समझने की लालसा अपनी चरम सीमा पर होती है। अबोध मन हमेशा अपने आसपास मौजूद हर पहेली को सुलझाना चाहता है। ये मन हर उस शब्द को अपनी गहराई में उतार लेता है जो उसके आसपास चल रहा होता है, और इस सब का असर पड़ता है उनके चरित्र पर। श्रेया ने भी बचपन से वो सब कुछ देखा था जो प्रभा और सुबेश के बीच चलता आया था, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो उस तालीम से वंचित रह गई थी जिसकी वो हकदार थी। नतीजा उसकी माँ को उसके द्वारा की गई शरारतों की खबर मिलती रहती थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। स्कूल से मस्ती करके भागी श्रेया का अब तक कुछ पता नहीं चला था। आखिर कहाँ गई थी श्रेया? क्या वो सच में किसी मुसीबत का सामना करने वाली थी या फिर ये भी उसकी कोई शरारत थी? सर श्रेया का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है स्कूल में, टीचर्स भी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही है, काफी कंप्लेंट्स है उसके बारे में स्कूल में। शिंदे उसको घर का माहौल कैसा मिला ये भी तो देखो, ऐसे माहौल में कोई भी बच्चा ठीक कैसे रहेगा? सर अगर ये श्रेया अपनी मर्जी से स्कूल से भागी तो वो गई कहाँ, और अगर वो कहीं गई भी तो गई क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर।
साहब। इस बच्ची को जानते हो? इसी स्कूल में पढ़ती है। साहब जानता हूँ साहब, ये हमेशा मेरे पास से आइसक्रीम लेकर जाती है। बहुत नटखट बच्ची साहब। कल भी इसने यहाँ से आइसक्रीम खरीदी थी। कल तो ये स्कूल खत्म होने से पहले ही निकल गई थी साहब। वहाँ रिक्शा स्टैंड से रिक्शा लिया था उसने। सुनो भैया, ये बच्ची स्कूल में पढ़ती है, कल यहाँ से ऑटो में बैठ के गई है, इसको देखा? हाँ साहब, ये लड़की मेरे ही रिक्शे में बैठी थी। मैंने इधर सात बंगला बस स्टॉप के पास छोड़ा था, मेट्रो ब्रिज के नीचे। शिंदे, ये श्रेया सात बंगला बस स्टॉप क्यों गई हो? सर, सात बंगला मेट्रो ब्रिज के पास जो बस स्टॉप है उसके आसपास को सर्विलेंस सीसीटीवी लगे हुए हैं, शायद उसकी फुटेज से कुछ हाथ लगे। सारा फुटेज मंगवाओ। ओके सर। हेलो, सर ये देखिए श्रेया, सात बंगला बस स्टॉप पे खड़ी गई है। ये श्रेया बस में बैठकर कहाँ गई? सर ये 210 नंबर की बस है। सात बंगला बस स्टॉप से लेकर लास्ट स्टॉप तक सिर्फ चार स्टॉप्स हैं और आखिरी स्टॉप है वर्सोवा। सर इतने बड़े एरिया में इसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा। शिंदे, एटलीस्ट ये तो पता चला कि श्रेया वर्सोवा की तरफ गई थी। अब ये पता करना है कि वो वहाँ क्यों गई थी और किससे मिलने गई थी। मात्रे के साथ अपने दो आदमी और भेजो और उस एरिया में पूछताछ करवाओ, हो सकता है किसी ने बच्ची को देखा हो। क्या हुआ प्रभा, श्रेया कुछ पता चला? नहीं अमित, लेकिन मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू मुझे कुछ पैसे देगा क्या? क्यों, क्या हुआ? वो सब मैं तुझे नहीं बता सकती, बस मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं है। होता तो मैं मना ना करता, लेकिन काफी दिनों से काम पर नहीं गया हूँ ना तो। अच्छा ठीक है, अब तू जा। प्रभा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रेया उस दिन स्कूल से भागने के बाद सीधी वर्सोवा की तरफ गई थी। कोई रहता है तुम्हारा वहां? वर्सोवा? नहीं साहब, वर्सोवा में तो हमारा कोई नहीं रहता। जरा अच्छे से सोचो, आखिर वो वहां क्यों जाएगी, वो भी यूं एकदम अकेले स्कूल से भाग के। हाँ साहब, वर्सोवा में आरती रहती है, श्रेया की मैत्रिन। आरती, आपकी फ्रेंड श्रेया आपसे मिलने आई थी। अंकल, बहुत दिन हुए, मैं और श्रेया मिली ही नहीं। सर, सड़क के उस पर वाले साइबर कैफे से कुछ पता चला है। तो साइबर कैफे ओनर ने श्रेया की फोटो को पहचाना है, उसके हिसाब से श्रेया वहाँ 3 बजे तक थी और उसके बाद सीधे यहाँ पर आई है। बेटा, आपकी फ्रेंड अभी तक घर नहीं लौटी है, आपको हमें सब कुछ बताना होगा, जो कुछ भी आप जानती हो। देखो, घबराओ मत, सब कुछ सच सच बताओ। अंकल, कुछ दिन पहले श्रेया मुझसे मिलने आई थी। आरती, तेरे बाबा प्रॉपर्टी में काम करते हैं ना, मुझे किसी भी खाली घर की चाबी दे देना प्लीज। लेकिन मुझे पापा से बात करनी होगी और मैं उनसे क्या बोलूंगी? देख आरती, तू किसी को कुछ मत बताना प्लीज, तू बस मुझे चाबी दे दे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तू मेरी दोस्त है ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। बेटा, कौन से घर की चाबी दी थी आपने उसे? राजकमल चोल के घर की। आपके पास उसकी डुप्लीकेट चाबी है? हाँ है। तुम अंदर चेक करो। सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर एक मिनट। हाँ मात्र,
सर मात्रे का फोन था। प्रभा ने अपने घर के पास ही एक सुनार को अपने गहने भेज दिए। कितने मिले सारे गहनों के प्रभा? गहने? कौन से गहने? मैं तो अपने काम से वापस आ रही हूँ। प्रभा हमारे पास गवाने के लिए वक्त नहीं है। हम तुम्हारी बेटी को बचाकर उसे वापस लाना चाहते हैं। कहीं श्रेया के लिए कोई धमकी भरा कॉल तो नहीं आया तुम्हें? देखो प्रभा, तुम्हारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हम ही हैं जो उसको बचा सकते हैं और वापस ला सकते हैं। 50,000 मांगे साहब। फोन आया था मुझे। किसने मांगे तुमसे पैसे? जानती हो उसे? मैं नहीं जानती साहब, बस फोन आया था और कहा कि 50,000 रुपए देना पड़ेगा और श्रेया उनके पास है और अगर नहीं दिए तो वो श्रेया को मार देंगे। इसी बात का शक था। वैसे इस किडनैपिंग के पीछे कोई ऐसा भी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन? शायद इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारी बेटी श्रेया खुद है। क्या श्रेया? श्रेया ने ही किया होगा ये सब, लेकिन साहब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बच्ची है अभी, ये सब उसको सुवेश ही सिखाता है। झूठ बोलना, पैसे ऐंठना, इन सब कामों में सुवेश ही उसकी मदद लेता था। अरे आई, नाश्ता तैयार है? नाश्ता नहीं है, कल की खिचड़ी दे दू। क्या है तू भी, प्रभा के घर से देख क्या मस्त खाने की खुशबू आ रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? बहुत भूख लग रही है बेटा, कमजोरी के मारे चक्कर से आने लगे। वो किस्मत में अगर ये कचरे से खाना चुनना लगे तो क्या कर सकते बेटा? तेरी आय तो पैसा नहीं देगी ना मुझे खाना खाने के लिए। पिछले 7 दिनों तक एक दवाई तक नहीं खरीद पा रहा, पता नहीं अब कितना दिनों तक जिंदा रहूंगा मैं। ये आप छोड़िए, चलिए मेरे साथ। आई, आई, आली, अरे तू इसको क्यों लाई यहाँ पर? तू पहले अंदर जा और बाबा के लिए खाना ला। इसके लिए खाना लाऊं? अरे मेरा बस चले तो इसे जहर दे दूं मैं। ठीक है, मत दे। मैं और बाबा कचरे में से ही खाना खाएंगे। चलो बाबा। रुक। लाती हूं। बेटा आज लपन बोलाओ, वो भी तो हमारे साथ खाना खाएगी ना। हो बाबा। या। आई, लगता है वो लेनदार आ रहा है। अब क्या करेगा तू? हाँ, एक आइडिया है। वो लोग एक बीमार आदमी पे तो हाथ नहीं उठाएंगे। चलो एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो पैसे के लिए एक बीमार आदमी का धुलाई कर देगा, लेकिन एक बच्ची पे हाथ नहीं उठाएगा, है ना? रुक, मैं आता हूँ। अरे श्रेया सुन, इधर आ, एक काम है। आजा आजा। क्या हुआ बाबा? चलना चल इधर आ। रुक, चल तू ना बेटा, यहाँ लेट जा, ठीक है? क्या हुआ बाबा, आप मुझे यहाँ लिटा क्यों रहे हो? बेटा तेरे बाबा को ना एक आदमी को पैसे देने हैं। उस आदमी को अगर बाबा ने पैसे नहीं दिए ना, वो आदमी बाबा को बहुत मारेगा। तू चाहती है बेटा बाबा को कोई मारे? तो ले जा, ले जा। आई, तू संभाल के जा। कौन है? काकी, सुरेश को बाहर भेजो। हम लोग जानते हैं कि वो अंदर ही है। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। वो तो बहुत बीमार है बेटा, हम लोगों ने तुमसे पैसे उधार लिए हैं।
थोड़े दिन में लौटा देंगे। श्रेया, 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 अरे अंदर कहां घुसे जा रही है? श्रेया, किसने लिटाया तुझे यहां? सुवेश ना? अरे आप जिसे ढूंढ रहे हो वहां से भाग रहा है साला। चल चल, पैसे नहीं दे रहा। तू बहुत बुरी है, कई जाकर मर क्यों नहीं जाती? फिर इसके बाद श्रेया बिगड़ गई साहब। घर से पैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इतनी छोटी सी उम्र में सब गलत काम सीख गई थी वो। तुम्हारा फोन। इसमें से कौन सा नंबर था जिससे कॉल आया था? ये दूसरा वाला 02244982। ये तो किसी पीसीओ का नंबर लगता है। एक काम करो, इस नंबर के बारे में पता करो, तब तक मैं सुवेश की बीमारी की खबर लेता हूँ। चल। पुलिस को इस बात का शक था कि 12 साल की श्रेया ने खुद ही अपनी किडनैपिंग का झूठा नाटक किया, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यह सब कुछ खुद श्रेया ने किया था तो इसके पीछे वजह क्या थी। प्रभा ने जो कुछ भी पुलिस को बताया था उससे यह तो साफ होता है कि सुवेश ने हमेशा श्रेया की मासूमियत का गलत फायदा उठाया था। आखिर क्या हो रहा था, कहां थी श्रेया, और क्या इस सब में सुवेश भी उसके साथ शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ने सुवेश से सवाल जवाब शुरू किए। एक नंबर की झूठी है साहब वो, मैं सच में बहुत बीमार रहता हूँ। वो तो मुझे श्रेया से मिलने से भी रोकती है। तो तू श्रेया को पैसे चुराने के लिए भी नहीं बोलता होगा? श्रेया के चोरी करने की आदत से मैं इनकार नहीं करता हूँ साहब, लेकिन ये आदत मैंने उसे सिखाई है ये बिल्कुल गलत बात है। सुवेश तू कहीं से भी दूध का धुला नहीं लगता। प्रभा भी क्या दूध की धुली हुई है? उसने भी तो मुझे छोड़ दिया अपने यार के लिए। मतलब उसका चक्कर है साहब। चक्कर? हाँ। किसके साथ? अमित के साथ, वही रिक्शा वाला। मुझे श्रेया ने बताया था देर रात को वो घर आता है। सुनिए 02244982। वो है साहब। क्यों, क्या हुआ? इस नंबर से एक धमकी भरा कॉल आया था, मामला किडनैपिंग का है। कोई आदमी यहाँ आया था इस 10-12 साल के लड़के के साथ? ये कैसे बता सकता हूँ सब मैं, यहाँ तो 50 लोग आते हैं। सर यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चला। हाँ मैंने भी सुवेश से पूछताछ की, श्रेया की माँ प्रभा का एक नया एंगल सामने आया है। शिंदे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें नजर नहीं आ रहा? सर अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि श्रेया ने खुद ही ये सब प्लान किया या फिर किसी और का भी हाथ है इसमें। एक काम करो, इस अमित के बारे में और पता लगाओ। जी सर। ये अमित का घर किधर रहता है? सुनिए ये अमित का घर कहाँ है? यहाँ से राइट ले। थैंक यू। बाबा किधर है बेटा? साहब अमित तो बाहर गया है। बेटा श्रेया को जानते हो? हाँ सर, मैं श्रेया को जानता हूँ। वो मेरी स्कूल में पढ़ती है और वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती बेटा तुम्हें, ऐसा क्या हुआ? वो मेरे घर पे आके रहने वाली है। तुम्हारे घर में? क्यों बेटा? मेरे बाबा और उसकी शादी करने वाले हैं। सर ये प्रभा का अफेयर कहानी में एक नया एंगल जोड़ रहा है। हाँ इस अफेयर के बारे में सुवेश ने भी बताया था जो उसे श्रेया से पता चला। अमित के बेटे को भी ये बात मालूम है, बस प्रभा ने ये बात हमसे खुद छुपा के रखी। अमित और प्रभा को लेकर आओ। साहब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं श्रेया को कुछ कर दूंगी। सबसे ज्यादा प्यार मैं श्रेया से ही करती हूँ। पर श्रेया तो तुमसे नफरत करती थी, तेरे और अमित के चक्कर के बारे में भी उसे पता था।
इससे तेरा मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है। और तू बिना ब्रेक लगाए सारी कहानी फटाफट बता। पता चला बहुत दिनों से तेरा रिक्शा नहीं निकला है, पैसों की जरूरत तो तुझे भी होगी। साहब मेरा रिक्शा मेरे पास है ही नहीं, बनने को दिया है इसलिए नहीं चलाया। और साहब प्रभा का तलाक हो चुका था और मेरी बीवी को तो मरे काफी टाइम हो गया, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि एक दूसरे का सहारा बनते हैं। साहब श्रेया मेरी भी बेटी जैसी है, उसको कुछ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। मासूमियत घोल के पी गए हो तुम दोनों, लेकिन मैं सब पता करके रहूंगा। और जहां मुझे पता चला कि सबके पीछे तुम दोनों हो, नाक से पानी पिला दूंगा। हाँ बोल। ठीक है वहां पहुंचते हैं। सर चारकोप नाले के पास एक बच्चे की लाश मिली है। चलो एक 12 साल की बच्ची को बड़ी निर्दयता से मारा गया था। एक किडनैपिंग का केस जो खुद श्रेया ने रचा था, अब उसके मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। आखिर कौन था जिसने इस बच्ची की हत्या की थी? आखिर श्रेया की मौत से किसे फायदा हो सकता था? अब तक पुलिस इस केस को हर एंगल से खंगाल चुकी थी, लेकिन अब भी उन्हें उसे कड़ी की तलाश थी जिसके मिलने से शायद ये केस सॉल्व हो सके। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रेया की मौत उसके गायब होने के ठीक 48 घंटे बाद हुई थी। मतलब श्रेया उस घर में रुकी तो थी, लेकिन उसकी मौत कहीं और हुई और उसके बाद उसकी लाश को नाले के पास लाकर फेंक दिया गया। सर श्रेया मर्डर केस के सिलसिले में कोई आदमी आपसे मिलने आया है? अंदर। जी सर। साहब मैं किशोर साहब, कांदीवली में पंचर की दुकान पे काम करता हूँ सर। इस केस से तुम्हारा क्या लेना देना? साहब 5 तारीख को एक आदमी की गाड़ी की पीछे वाली सीट पे मैंने इस बच्ची को देखा सर। गाड़ी का पंचर तो साहब मैंने ही बनाया था, लेकिन साहब उस समय जब इस बच्ची को देखा तो लगा सो रही थी। लेकिन साहब अब तो जरूर लगता है कि ये बेहोश थी बच्ची। साहब ड्राइवर का स्केच बनाने में हमारी मदद करो। साहब उसने तो अपना मुंह ढक रखा था साहब, लेकिन आज सुबह पेपर में बच्ची की फोटो देखते ही मैं यहाँ आ गया साहब। गाड़ी नंबर याद है? साहब लाल कलर की छोटी गाड़ी थी साहब। अब दिन भर में साहब इतनी गाड़ियां देखते हैं, ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन साहब गाड़ी का आखिरी नंबर साहब 89 था। ठीक है तुम जाओ, अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। नमस्ते। शिंदे 5 तारीख को मर्डर हुआ और लाश मिलती है अब। इस पंक्चर वाले ने भी श्रेया को उसी दिन गाड़ी में देखा था। ये जो कोई भी मुंह ढका हुआ आदमी है, इसी ने श्रेया को मारा है। ये देखो ये रहा वो नाला जहां में श्रेया की लाश बरामद हुई, और ये है प्रभा की चौल, और उसके ठीक बीच पड़ती है कांदीवली की ये पंक्चर की दुकान। शिंदे मुझे शक हो रहा है कि जिसने श्रेया को मारा है वो प्रभा की चौल का है और श्रेया और प्रभा को जानने वाला है। शिंदे इस चौल को टारगेट करो, ये लाल गाड़ी हमें खूनी तक पहुंचा सकती है। रुके, यहाँ कोई लाल कलर की गाड़ी देखी तुमने जिसका लास्ट नंबर 89 है? नहीं। सर इस चौल में एक लाल गाड़ी है, कोई शंकर नाम का आदमी यही 3 गली छोड़ के रहता है वो। क्यों मारा बच्ची को? साहब आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों मार रहे हैं मुझे? मैं क्यों मारूंगा साहब, मैं तू अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है साहब। जिगरी दोस्त? हाँ सर। सुहेश साहब वो 5 तारीख को मेरी गाड़ी लेके गया था, बोला था कोई जरूरी काम निपटाना है तो दे दी साहब गाड़ी।
तूने ही मारा है अपनी बेटी को, चल बोल बोल वरना उल्टा लटका के मारूंगा। बता दो साहब, प्रभा से पैसे निकलवाने के लिए मैंने और सियाने मिलके ये प्लान किया था, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने उसे मारा है साहब। तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी जो तूने इतना बड़ा प्लान बनाया? लेनदारों को पैसे देने थे साहब, मैं क्या करता, जीना आराम हो गया था साहब मेरा। फिर श्रेया ने झट से एक घर का इंतजाम कर लिया। प्लान ये था कि पैसे मिलने तक वो उस घर में ही छुपी रहेंगी, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद कोई लेनदार। जब भी मुझे ढूंढने कोई लेनदार आता, श्रेया घर में मेरी जगह सो जाती थी। उस दिन भी जब राजकमल चौल के उस घर में मैं श्रेया से मिलने गया तो उसने बोला कि वो मेरी जगह ले लेगी और मैं उस जगह सेफ रहूंगा। मैं जब अगले दिन वापस अपने घर आया तो मैं खुद ये देखकर हैरान हो गया कि श्रेया की लाश मेरे ही बिस्तर पर पड़ी थी। श्रेया, शंकर की गाड़ी से मैंने श्रेया को नाले के किनारे फेंक दिया। मुझे लगा कि लाश मिलने से पहले ही मैं पैसे निकलवा लूँ। हेलो, पैसे तैयार रख, नहीं तो जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। साहब, मैंने सब कुछ किया है लेकिन अपनी बेटी को नहीं मारा है साहब, नहीं मारा है। सुवेश का पीछा कौन कर रहा होगा? क्या इसकी बातों पर भरोसा करना ठीक रहेगा? सर, सुवेश के लेनदारों की लिस्ट निकालता हूँ, शायद उनमें से कोई हो। शिंदे, पूरे चौल में कोई ना कोई तो होगा जिसने किसी को आते जाते देखा होगा, इतनी सफाई से सब कुछ कैसे किया जा सकता है? सर, वैसे दोपहर के वक्त उस चौल में चहल पहल कमी रहती है। सर, एक काम करता हूँ, मैं अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिव करता हूँ, चौल के लोगों से पूछताछ करता हूँ, शायद वहां से कोई सुराग हाथ लगे। सर, चौल में लोगों ने पूछताछ में इस आदमी के बारे में बताया है, इसे दोपहर में उस चौल में देखा गया है। सर, इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि ये एक सुपारी किलर है और फिलहाल में एक मर्डर केस में अंदर था ये। नाम क्या है इसका? सर, राजू नाम है इसका, अभी बेल पे बाहर है ये। वापस अंदर जाने का वक्त आ गया, जहाँ भी मिले वहाँ से घसीट के लाओ सर। बोल, मैं चुमा रहा था छोकरी को, मुझे पैसे मिले। किसने दिए थे पैसे? सब मुझे पैसे वो। जिंदगी भर मैं अपने बच्ची के प्यार के लिए तरसती रहूंगी, मुझे कभी अपने बच्ची का प्यार मिला ही नहीं। अमित, क्यों मारा बच्ची को? बोल साहब, मैंने ऑटो बेचकर सुपारी दी थी साहब, लेकिन साहब सुपारी श्रेया की नहीं, सुवेश की थी साहब। सुवेश प्रभा को बहुत परेशान करता था और मैं प्रभा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रभा हमेशा श्रेया के प्यार के लिए तरसती थी साहब, लेकिन जब तक ये सुवेश था ना तब तक ये मुमकिन ना हो पाता, इसलिए प्रभा की खुशी की खातिर मैंने सुवेश को रास्ते से हटाने का सोचा था। उस दिन क्या हुआ था? मुझे नहीं पता था कि ये बाप बेटी अपना ही प्लान बना रहे हैं। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी, मैं वहां घर के बाहर ही खड़ा था, राजू सुवेश को मार देता और सारा किस्सा खत्म। लेकिन साहब उस दिन एक अलग ही किस्से की शुरुआत हो गई। अमित जल्दी आ जाए, लोचा हो गया।
श्रेया, श्रेया, ये कैसे? अबे ये क्या करवा दिया तूने? मालूम है कितना बड़ा कांड हो सकता है? अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, तू अपने सामान ले। मैं इतना डर गया था साहब कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बॉडी वहीं छोड़ दी। मुझे लगा बॉडी सुवेश के घर से मिलेगी तो बाद में फंसेगा भी वही, और फिर बाद में मैं प्रभा को सुवेश के खिलाफ भड़काकर अपना रास्ता साफ कर लूंगा। साहब मैंने जो भी किया प्रभा के लिए किया साफ। चल। मेरी जिंदगी की गलतियों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। सुवेश और मेरे झगड़े की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। अब मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी साहब, कभी वापस नहीं आएगी। इस केस में एक शख्स ने अपने प्यार को पाने के लिए जुर्म का रास्ता चुना, भले ही उसका मकसद प्रभा को हर तकलीफ से आजादी दिलाना हो, लेकिन किसी भी सही काम की शुरुआत किसी बुरे इरादे के साथ नहीं हो सकती। इस सब के लिए सुवेश भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अमित। शादी वो पवित्र बंधन है जिसे दो लोग प्यार और विश्वास की ताकत से सींचते हैं। सुवेश ने इस शादी का इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब के लिए किया। उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि सब कुछ ठीक हो, पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को चलाएं। अगर उसने जरा सा भी इस बारे में सोचा होता तो शायद श्रेया जिंदा होती और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी रही होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।